Shruti? Shruti means to listen, to hear. Now there are four Veda. Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. Then there are supplementaries to those Veda called Brahmans. The later part, which is called Gyankand of Veda, is Upanishads. These scriptures fall under the category of Shrutis. Combined name of all these scriptures is Shrutis. So does that mean that these scriptures are heard by somebody? And if they are heard by somebody, then ultimately who spoke about it? The belief is that these words are originally spoken by God, and it was received by these rishis, munis of different eras. And who created these scriptures in the huge span of time? These documents are not written in a day or two or in a year. Ved, the written period, if we find, or the scriptures are created in more than 2500 years. It's such a huge longevity of these scriptures. They were not written in a single day. So that means the recipient of that hearing were different people at different ages. The rishis, the munis, who did a lot of tap, dhyan, and then they deciphered these principles. So sometimes one wonders, ki ye baat unhone sun li to humko kyun nahi sunai de rahe? Hum bhi directly sunna chahte hain. Agar Bhagwan kuch bata rahe hain, to hum kyun nahi sun sakte? तो सुन सकते हैं आप. The answer is, आपको वो सुनने के लिए अपने आप को अट्यून करना पड़ेगा. Like, अगर आप रेडियो पर कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आपको चैनल सेट करना पड़ता है. टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर रिमोट से जाना पड़ता है. यूट्यूब पर कभी कुछ देखना चाहते हैं तो वो सर्च करके वहां तक जाना पड़ता है. और जब इंटरनेट का सिग्नल होगा तो ही वो चलेगा. तो कई दफे आपको अपने गैजेट को उस सिग्नल को कैच करने के लिए ट्यून करना पड़ता है. इज इट इट? अगर आप ट्यून कर लेंगे तो वो गैजेट वो सिग्नल्स कैच करता है और आप उस गैजेट के थ्रू वो गाना सुन सकते हैं, वो पिक्चर देख सकते हैं, वो स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं. पर अगर वो ट्यून नहीं है तो वो गैजेट होना यूजलेस है. इसी तरह आपका ब्रेन है. ब्रेन तो वो गैजेट है जिसमें वो क्षमता है. और एयरवेव्स जैसे रेडियो की हैं, टेलीविजन की हैं, पर वो ट्यून किया आपने गैजेट को तो आप कैच कर पा रहे हैं. इजंट इट? दैट मींस एयरवेव्स आल्सो एग्जिस्ट एंड योर गैजेट इज आल्सो देयर. इट्स ओनली द ट्यूनिंग व्हिच यू हैव टू डू एंड द मोमेंट यू कनेक्ट इट यू गेट इट. सिमिलरली द गैजेट इज योर ब्रेन एंड दोस विजडम इज ऑल अराउंड इन द एयरवेव्स. यू विल हैव टू ट्यून योरसेल्फ बाय दोस ध्यान और तप or yoga, to tune your brain to listen it. Even you can listen it.
So these sages and scriptures, sages and rishis and munis, they heard those words and they created these scriptures called Ved, Upanishad, etc. वक्त के साथ चूंकि हजारों साल पुराने हैं चीजें चेंज होती हैं, चीजें विलुप्त होती हैं. विलुप्त होना मतलब दे समवेयर दे गो इन हाइडिंग. व्हेन आई वाज ऑफ योर एज देयर वाज ओनली लैंडलाइन. And before the mobile came, in the interim period, there were pagers. शायद आपको पता भी नहीं हुआ pager क्या होता है, पर था. चीजें hiding में चली जाती हैं, change होता है समय, विलुप्त हो जाती हैं. ऐसे ही श्रुतियां विलुप्त होने लगी. लोगों को ये लगने लगा कि इतना ट्यून करने की मेहनत करे कौन, है ना ये सब मटेरियल. तो श्रुतियां विलुप्त होने लगी और धीरे धीरे लोग भूलने लगे. जैसे आज पेजर भूल गए, रेडियो नहीं है, किसी के घर में रेडियो हो गई, कार में हो तो हो, बड़े बड़े रेडियो सेट्स नहीं मिलते, ग्रामोफोन खत्म हो गया, MP3 ये सब आ गया. चीजें चेंज होती हैं, लोग भूल जाते हैं. फिर लोगों को कुछ सालों बाद याद आया, अरे ये तो बड़ी ज्ञान की चीजें थी, हम कैसे भूल गए. तो कुछ उस समय के ऋषियों मुनियों ने स्कॉलर्स ने उस याददाश्त के बल पे फिर से उनको कलेक्ट करना शुरू किया और उस याद से जो कलेक्ट किया उसको कहते हैं स्मृति. तो श्रुतियों के बाद आया स्मृतियां. स्मृति मतलब याद. तो जो कुछ याद आया वो कोडिफाई किया, उन्हें हम कहते हैं स्मृतियां. तो प्राचीनतम क्या हो गया, श्रुति. उसके नेक्स्ट एरा में स्मृति. और इसीलिए अगर आप इन ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को जो आज अवेलेबल हैं, पूरे तो नहीं हैं जो भी हैं, अगर आप उनको रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यू विल फाइंड श्रुतिज आर वेरी वेरी एंशिएंट. इवन द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू डिसाइफर एज कंपेयर टू स्मृतिज बिकॉज दे आर लेटर इन टाइम, दे आर मोर सिस्टमैटिक. पर जो इंटरिम पीरियड था श्रुति और स्मृति के बीच का, उस दौरान कुछ स्कॉलर्स ने उस पीरियड के ऑन द बेसिस ऑफ श्रुति कुछ सूत्र बना दिए सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए. तो श्रुति और स्मृति के बीच के पीरियड में आपको सूत्र और गाथा मिलती है. सूत्र और गाथा के आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन श्रुतिज एंड स्मृतिज. स्मृतिज बहुत सारे विषयों पर अलग अलग स्कॉलर्स ने क्रिएट किए. यू मस्ट हैव हर्ड मनुस्मृति, बट दैट इज नॉट द ओनली स्मृति, दे आर मेनी, लाइक याज्ञवल्क स्मृति. और इन स्मृतियों के आधार पर वक्त के साथ दो और स्क्रिप्चर्स क्रिएट हुए, दे आर कॉल्ड धर्मसूत्र एंड लेटर ऑन धर्मशास्त्र. तो जो अर्लियर स्मृतिज के बेसिस पर डॉक्यूमेंट्स बने दे आर कॉल्ड धर्मसूत्र, और जो लेटर स्मृतियों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स बने दे आर कॉल्ड धर्मशास्त्र. तो सूत्र भी कई प्रकार
प्रकार के थे, गृह सूत्र विच गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक फायर और डोमेस्टिक एक्टिविटीज, गृह सूत्र घर का नियम कायदा, श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र gives the detail about the sacrifices which one has to do. Then समय चारिका सूत्र, जो आपके conduct के बारे में discuss करता है. धर्मशास्त्र भी कई तरह के हुए जिन्होंने एक human being की life को किस तरह जीना चाहिए, कैसा कॉन्डक्ट होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसी ड्यूटीज होती हैं, वो प्रेस्क्राइब किया. और आज तक ये वर्ड्स आप सुनते होंगे अपने जीवन में, धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं हमको ऐसे जीना चाहिए, धर्मशास्त्र वैसा कहते हैं हमको ऐसे करना चाहिए, इजंट इट? दीज आर स्टिल यूज्ड इन कोलोकुअल लैंग्वेजेस, बट सी दे हैव अ सिस्टमैटिक मेथोडिकल पैटर्न. इफ यू रीड देम यू रियलाइज. इसके बाद श्रुति और स्मृतियों के बाद आया एक नया युग जिसमें उस समय के स्कॉलर्स और ऋषियों और मुनियों ने उन स्मृतियों के आधार पर कुछ भाष्य और टीका लिखे. भाष्य मीन्स द कमेंट्रीज, लाइक इन आवर लीगल बुक्स we have Bairat and the book with commentary, isn't it? तो जो commentaries होती हैं उन्हें संस्कृत में भाष्य कहते हैं. तो स्मृतियां के ऊपर जो भाष्य लिखे गए वो भाष्य टीका, like commentaries and digests were written after studying those स्मृतिज. So that at that era people could understand, because by then even smritis became ancient. People get disconnected with the language also, the frame of sentences also. Like for example, if any of you have read Shakespeare,